हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। ये मैंने 250 ग्राम मेथी को इनका डंठल हटा करके 3-4 बार पानी से अच्छे से धुल लिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा बालू होता है, तो 3-4 बार धुलिए तभी साफ़ होता है। अब इसको काट के तैयार कर लेते हैं। अब एक छोटा सा बंच बना लेंगे, इसको चॉपिंग बोर्ड में काट लेते हैं। आपको जैसे सुविधा हो वैसे काट लीजिए, बिल्कुल बारीक काटना है, जैसे धनिया की पत्ती काटते हैं उसी तरह से। पहले आगे का हिस्सा थोड़ा सा काट के साइड में कर लेंगे। अब इस तरह से बारीक बारीक काट के तैयार कर लेना है। अब सारी मेथी कट गई है, अब चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस में एक कढ़ाई रखेंगे, गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल 1 टेबल स्पून के आसपास। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 7-8 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 3-4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। 1 आलू डालेंगे इस तरह से, थोड़े बड़े पीस में कटे हुए। अब सारी सामग्री को भून लेते हैं। लहसुन मिर्च के साथ आलू को डालिए तो आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाता है। बाद में डालिए तो लहसुन जल जाता है, इसलिए साथ में डालिए तो ज़्यादा अच्छे से पक जाएंगे। अब ये देखिए, लहसुन गोल्डन हो गया है, आलू भी फ्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 टमाटर रफली कटे हुए, 2 टमाटर को भी मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, 1/2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब मसालों को थोड़ा सा भून लेते हैं, पानी नहीं डालेंगे, टमाटर के पानी से ही अच्छे से भून जाएंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, कम मसालों से ही ये रेसिपी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। अब 2-3 मिनट हो गए हैं, मसाले भी अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें डालेंगे मेथी जो मैंने काट के रखा था। अभी ये मेथी फूली लग रही है, जब पक जाएगी तो थोड़ी सी हो जाएगी, पिचक जाएगी। इस समय गैस को लो फ्लेम में कर देंगे, इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, मेथी को देख लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, मेथी एकदम पिचक के थोड़ी सी हो गई है। अब इसको 5 मिनट खुला ही पकने देंगे, जिससे इसका पानी सूख जाए, थोड़ी सी भून जाए। बीच बीच में 1-2 बार चला देंगे, जिससे जले नहीं। गैस को लो मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, मेथी का पानी सूख गया है, मेथी अच्छे से भून गई है। मेथी तो आप लोग कई तरीके से बनाते होंगे और बहुत टेस्टी बनाते होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा, शायद मेरा तरीका भी पसंद आए, क्योंकि सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है और टेस्ट भी अलग अलग होता है। और मेरा बनाने का तरीका पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ये मेथी की बहुत ही सिंपल और टेस्टी सब्जी बन के तैयार है, एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा। अब इसको सर्व करेंगे रोटी पराठा या फिर दाल चावल के साथ, मज़ा आ जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।